नमस्कार, मैं अमरिंद्र तिवारी और आज साइंस मेला जिस स्कूल में लगा है उस पंचायत के मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तरह के आयोजनों से क्या लाभ मिलता है बच्चों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई स्थान चाहिए, कोई जगह चाहिए जहाँ से कि लोग उसको देख सके, रिकॉग्नाइज करे। और इसी तरह का आयोजन आज हमारे प्रखंड स्तरीय शिक्षकगण जो हैं, यहाँ के प्राध्यापक उपेंद्र बाबू और इनके सहयोगी शिक्षकों ने जो आयोजन जो किया है, बहुत ही शानदार, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सुंदर। इसके लिए हम इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और चाहेंगे कि इस तरह का आयोजन होता रहे। और चूंकि बच्चे को टैलेंट दिखाने का मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, जिस तरह का इन्होंने बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया है, काबिले तारीफ है। हर तरह के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हो, गणित के क्षेत्र में हो, आज जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है प्रदूषण का, पर्यावरण का, ज़्यादा फोकस बच्चों ने यहीं पर किया है कि कैसे अपने क्षेत्र को, अपने देश को पर्यावरण से सुरक्षित रखा जाए, प्रदूषण से सुरक्षित रखा जाए। और इस क्षेत्र में सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं कि किस तरह से वातावरण को बचाया जाए प्रदूषण होने से। बच्चों का भी देख रहे हैं कि ज़्यादा यही फोकस था कि कैसे सुरक्षित रखा जाए इस देश को पर्यावरण के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।